मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए हैं और इसके लिए हमारी सरकार आवश्यक कानूनी प्रावधानों पर काम कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आपने ये जो बयान सुना, इस बयान पर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोल रहे थे? क्या उनकी ये घोषणा, उनकी ये बात सिर्फ उपचुनाव में वोट पाने के लिए थी, क्योंकि उनका ये जो बयान था वो उपचुनाव से पहले दिया गया था? देश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के। तो क्या ये उपचुनाव में लोगों को लुभाने के लिए दिया गया था? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जो भर्तियां निकल रही हैं वो ऑल इंडिया कोटे से है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या उन्हें सिर्फ वाह वाह ही बटोरने के लिए यह घोषणा करनी थी? आप कमेंट में बताइए, आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? इतने महीने हो गए सरकार के आए हुए, आखिर उस पर क्यों आवश्यक कानूनी प्रावधानों पर क्या काम हुआ? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्विटर के माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि उस समय भी उन्होंने ट्वीट किया था और इसके लेकर के उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा। आखिर वो अधिकार कब होगा? 2050 में होगा, 2100 में होगा, कब होगा? सरकार उनकी फिर से बन गई, उपचुनाव में अच्छा परिणाम उनको मिला, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं के बारे में वो क्यों विचार नहीं कर पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती निकली है, वो ऑल इंडिया कोटे से है। जो युवा हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे, वो उम्मीद कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही वो बात यहाँ पर पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर तो वो बात पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे थे? आप हमें कमेंट में बताइए। अगर शिवराज सिंह चौहान जी भी ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें ट्वीट के माध्यम से बताना चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उनकी ये बात कब पूरी होगी। कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इस पर कहा था कि उन्हें खुशी है अगर शिवराज सिंह चौहान जी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक कि कोई सरकारी आदेश इसको लेकर के न दे दिया जाए, और साफ तौर पर कहा था कि ये घोषणावीर हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, इसलिए यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहा था दिग्विजय सिंह जी ने उस समय जब ये घोषणा की गई थी। आपकी प्रसन्नता है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी उस मांग पर ध्यान देते हुए आज ये घोषणा की है, लेकिन ये घोषणावीर हैं, इसलिए जब तक सरकार का आदेश नहीं निकलेगा तब तक उसे हमने। आज अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि एक साल के भीतर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देनी है। तो कैसी तस्वीर बदल देनी है? क्या वो तस्वीर बदल पाएगी? वो कह रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, उन्होंने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश को इस तरीके से कार्य करना है कि आने वाले एक साल में हम बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित कर लें और जो देश के अन्य राज्य हैं वो मध्य प्रदेश को बधाइयां दें। इसको लेकर के भोपाल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए चर्चा की। बात वही आ जाती है कि अच्छी अच्छी बातें कहना, ट्विटर के माध्यम से बोल देना, क्या इससे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा? क्या इससे मध्य प्रदेश पूरे भारत में अलग छवि बना पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसको देख करके तो यही लगता है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया इतने बड़े झूठ बोले, उनकी जो बातें हैं वो झूठी साबित हों, तो क्या मध्य प्रदेश ऐसे आत्मनिर्भर बन सकेगा या मध्य प्रदेश सिर्फ बातों में आत्मनिर्भर बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप कमेंट में अपनी राय दें। आखिर कैसे मध्य प्रदेश ऊपर बढ़ेगा? क्या मध्य प्रदेश युवाओं को इस तरीके से झूठ बोलती रहेंगी सरकारें, इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा? मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं शिक्षा व्यवस्था के, क्या हालात हैं नियुक्तियों को लेकर के, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या इस तरीके से कैंचुए की चाल से आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्या मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ उपचुनाव में जीतने के लिए झूठे वादे कर रही थी, झूठी बातें कह रही थी, झूठी घोषणाएं कर रही थी? इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जिस तरीके से वो ट्वीट करते हैं सिर्फ बोल देने के साथ साथ, मुझे लगता है कि उन्हें स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। क्या सिर्फ ट्वीट कर देने से मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, या उसका क्या ब्लूप्रिंट है, उसे भी आम जनता के साथ साझा करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान बार बार ट्वीट करते हैं, और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि देश की जनता को सब कुछ पता होना चाहिए, तो क्या देश की जनता को अब ये नहीं पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश किस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा, उसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, किसकी क्या नैतिक जिम्मेदारी होगी? क्या ये ट्विटर के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बताना चाहिए? और जिस तरीके से वो अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, फटकार लगा देते हैं, क्या मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक हैं, चयनित जो जूनियर सेल्समैन है या जो पटवारी है, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसे फटकार लगाई, किसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, इसके बारे में बताना चाहिए। वहां पर क्या हो जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, वहां पर उनके आदेश देने में क्यों दिक्कत आ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था, तो जब पीबी में जब जेल भर्ती परीक्षा एक दो बार कैंसिल हुई, इसकी डेट एक्सटेंड हुई, तो वहां पर क्यों पीबी के अधिकारियों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सवाल इसीलिए है कि मध्य प्रदेश के मुखिया की नजरों में चयनित जो शिक्षक हैं, चयनित जो अभ्यर्थी हैं अन्य परीक्षाओं के, उनको लेकर के किसी भी प्रकार का जो मुख्य धारा में नहीं है उनके लिए, क्या वो मुख्य केंद्र नहीं है उनके लिए, क्या वो महत्वपूर्ण चीज नहीं है उनके लिए, क्या वो महत्वपूर्ण निर्णय में नहीं आता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, सबसे बड़ी बात है। उन्हें बताना चाहिए किस तरीके से वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे, क्या इस तरीके से वो रोजगार के साधन मुहैया करवाएंगे कि तीन तीन साल चार चार साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं चयनित होने के बावजूद, है सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रहा है सरल टॉक के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी, आखिर क्या हुआ उस घोषणा का, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए। कब पूरी होगी उनकी वो बात जो वो कह रहे थे, या फिर उन्होंने सिर्फ कहने के लिए ही कह दिया था? इस पर आप सबकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट में बताइए। और सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, स्टेटस पर हर जगह शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।